हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय रेखा मैम। एज़ यू कैन सी टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्कशीट नंबर 99 एंड हियर द चाइल्ड विल राइट द नेम ऑफ हिज और हर एंड हियर यू विल राइट योर क्लास टीचर नेम। एज़ यू नो टुडे इज 15th March 2022, वी आर गोइंग टू डू द इंग्लिश वर्कशीट। माई डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन नंबर 1 विच बिलोंग्स टू स्टोरी। यू ऑल हैव रेड द स्टोरी द लास्ट लीफ इन द एंड। मिस्टर बर्मन डाइज ऑफ निमोनिया इन ऑर्डर टू सेव जॉन्सी। थिंक ऑफ अ डिफरेंट क्लाइमैक्स एंडिंग टू द स्टोरी एंड रिराइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो यू वी ऑल रेड द स्टोरी, वी ऑल नो ओ हेनरीज स्टोरी द लास्ट लीफ। उसमें जो एंड था माई डियर स्टूडेंट क्या था, कि बर्मन मर गया था निमोनिया से, और किसे बचाते हुए, जॉन्सी को बचाते हुए। तो हमें क्लाइमेक्स चेंज करना है, यानी जो उसका एंडिंग है स्टोरी का वो बदलना है, और आपको स्टोरी रीराइट करनी है अपने वर्ड्स में, यानी दोबारा लिखनी है। तो व्हाट यू कैन ऐड, आई कैन गिव यू वन हिंट कि जो बर्मन है, यू कैन ऐड एट द एंड दैट द जॉन्सी आइडेंटिफाइड दैट बर्मन इज वॉज कम्प्लीटली इल, सो शी कॉल द डॉक्टर ऑन टाइम एंड द डॉक्टर ट्रीटेड हिम वेल एंड ही बिकेम फाइन। ओके, ही बिकेम कम्प्लीटली क्योर्ड, यू कैन से। ओके, और एट द एंड आप यही सारी चीज़ें अपने एंड आप भी अपनी भी इमेजिनेशन लगा सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैंने जो बोला आप वही लिखें। ओके, आपको जो लगता है कि कुछ पॉजिटिव एंडिंग क्या हो सकती थी उस स्टोरी की, क्योंकि उसमें सब कुछ ठीक था, एक यही एंड था जो कि गड़बड़ था, लाइक नेगेटिविटी शो करता है कि उसने बचाया और वो खुद ही मर गया, राइट? तो जो भी स्टोरी आप लिखेंगे, स्टोरी राइटिंग मस्ट बी इन पास्ट टेंस और इन पास्ट परफेक्ट। यू कैन यूज़ वॉज वर्ब, मीन्स जनरली आप पास्ट में लिखते हैं स्टोरी को। कुछ बच्चे, मीन्स समटाइम्स वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टू। ओके, सो और अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड है, दैट वी विल राइट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो स्टोरी को बहुत ही प्यार से लिखना है और अपने वर्ड्स में लिखना है, कहीं से कॉपी नहीं करना आपको। और लिखने के बाद इफ़ यू वांट टू पोस्ट इट एट माय चैनल, आप इस पर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप बता सकते हैं मुझे, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, डायरी प्रैक्टिस 2। राइटिंग प्रैक्टिस 2 में डायरी राइटिंग है। मेरे चैनल पर ये वीडियो पड़ा हुआ है कि हाउ टू राइट अ डायरी, तो आप वहाँ जाके सबसे पहले रूल्स देख लीजिए डायरी के। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, व्हाट दैट विच हैज़ गिवन इन दिस DOE वर्कशीट। योर टीचर्स हैव शेयर्ड द एग्जामिनेशन डेट शीट विद यू। मोस्ट ऑफ यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड कमिंग बैक टू स्कूल आफ्टर अ सीरीज ऑफ लॉकडाउन एंड रेस्ट्रिक्टेड टाइम टेबल। यू मे बी एक्सपीरियंसिंग एक्साइटमेंट और एंजाइटी। राइट अ डायरी एंट्री शेयरिंग हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द एग्जाम्स। आप क्या, जो टीचर है उन्होंने क्या किया है, आपके साथ डेट शीट शेयर की हैं। बहुत सारे बच्चे रिसेंटली जो पहले लॉकडाउन में नहीं आते थे, उन्होंने टाइम टेबल बनाया, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सा टाइम टेबल है, मतलब आप स्कूल आने लगे, तो आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक है, आप एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं या आपको एंजाइटी अंदर से चिंता हो रही है? ओके, ये सारी फीलिंग्स को आपको अपनी डायरी में लिखना है। तो आपको पता है कि आप जब डायरी एंट्री स्टार्ट करते हैं तो हाउ यू स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेट हेयर। ओके, देन यू विल राइट द डे, देन यू विल राइट द टाइम। टाइम मस्ट बी इन द आवर्स, लाइक इफ़ यू आर राइटिंग द डायरी in the afternoon you will write 1500 hours, then here you will write dear diary। okay, from here you started comma lagayenge aur start kar denge। okay, next after doing it at the end you will write your name। okay, और सारी चीज़ें सेम डायरी एंट्री में भी, ऑल द थिंग्स जो कि प्रेजेंट में कोई बहुत ही यूनिवर्सल सा था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ऑल थिंग्स विल कम इन पास्ट टेंस। ओके, सो इसी तरह आप डायरी लिखेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप पहले क्या करते थे, और अब डेट शीट आ गई है तो आप कैसा फील कर रहे हैं, और बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा स्टडी एक साथ करनी पड़ रही है, तो कई बच्चे एक्साइटेड भी होते हैं, कई बच्चे टेंस्ड भी होते हैं, तो आप अपने फीलिंग्स अपने हिसाब से शेयर करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट, आई थिंक दिस वीडियो रियली हेल्प्ड यू अ लॉट। If it is so, please like the video and please share it among your friends. If you are new at my channel, please subscribe it. Thank you so much for watching. Have a nice day. Be happy, be positive.